Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knock. And like a lighthouse from the ocean, I send them my devotion and tone of my thoughts. Fools like them. Hey guys, welcome back to my channel. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, मैंने इस ड्रेस को डिज़ाइन करा है 3 पीस में, स्कर्ट एंड टॉप, और इसके साथ मैंने एक श्रग भी बनाई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रग की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। स्कर्ट और टॉप पार्ट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस श्रग को मैंने बनाया है 3 मीटर फैब्रिक से। फैब्रिक में मटेरियल मैंने यूज़ करी है जॉर्जेट फैब्रिक। लेस इसमें लगेगा 7 मीटर। तो चलिए इस श्रग की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसे मैं ड्राफ्ट कर रही हूँ पेपर पे। सो गाइस, इस तरीके से फैब्रिक को बायस ग्रेन पे अनफोल्ड रख लेना है, और शोल्डर के लिए ऊपर के साइड पे 7 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेना है, जैसे कि मैं पेपर पे कॉर्नर पे कर रही हूँ। और इसी शोल्डर लाइन से श्रग का फुल लेंथ मेजर करेंगे। तो फुल लेंथ में फैब्रिक पे रख रही हूँ 50 इंच। तो इसी तरीके से 50 इंच रख लेना है, और इसके दूसरे साइड पे भी सेम लेंथ रखना है। यहाँ पे भी 50 इंच रखना है फैब्रिक पे। मैं इस पर सिर्फ ड्राफ्टिंग करके बता रही हूँ पेपर पे। सेम प्रोसेस फैब्रिक पे भी होना है, और इस तरीके से राउंड करके इसकी कटिंग मैंने कर ली है। तो गाइस, अगर आप इस श्रग को 45 इंच वाले पन्ने वाले जो फैब्रिक आते हैं उस पर बना रहे हो, तो पैनल लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पैनल बनाने इस तरीके से नीचे का जो फैब्रिक बचा है उसे इस तरीके से रख लेना है, और इस तरीके से गाइस पैनल कट कर लेना है। तो जो आगे का 2 पार्ट शॉर्ट है हमारे पास, उसे यहाँ से पैनल ऐड करके उसकी लेंथ बराबर कर लेंगे। दोनों पैनल एक एक पार्ट में ऐड कर देना है। सो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे पैनल ऐड कर दी है, और मेजरमेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया, उसी मेजरमेंट से मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों साथ में था, तो एक पार्ट को मैंने हटा दिया, वो बैक पार्ट हो गया, और ये है फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट में गाइस बन साइड की तरफ मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ नेक लाइन के लिए, और इसे नीचे तक इस तरीके से कट कर लेना है। ऊपर मैंने 3 लिया है और नीचे मैंने 1 इंच लिया है, और इस तरीके से लाइन बना के इसकी कटिंग कर दी हूँ। और ये हो गया बैक पार्ट। अभी इसकी शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो ऊपर का पार्ट है शोल्डर का, ये बैक पार्ट है। इसके ऊपर जो अभी हमने फ्रंट पार्ट कट किया था, तो नेकलाइन का साइड जो हमने कट किया था वो हम मार्क कर लेते हैं, और इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर रख के ये शोल्डर की स्टिच कंप्लीट कर लेनी है। सो शोल्डर की स्टिच मैंने यहाँ पे लगा दी है। अभी इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से बराबर करके रख ले रही हूँ, और इसमें का एक शोल्डर का जो क्रॉस लाइन होता है, शोल्डर थोड़ा मीन्स स्ट्रेट कट नहीं होता, थोड़ा क्रॉस में कट होता है। तो इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, और ऊपर से यहाँ पे मैं 3 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ, और इसी मार्क को नेकलाइन तक लेके जाना है, नेकलाइन रखना है 3 इंच, और इस तरीके से मार्क कंप्लीट कर देनी है। ये हो गया इसका शोल्डर लाइन। इस पर एक एक स्टिच लगा देनी है दोनों साइड पे। स्टिचेस के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक जो मार्जिन वाला पार्ट हो गया, उसे इस तरीके से कट कर लेना है। तो अब इसमें मैं स्लीव्स का जो स्टिच है वो करूँगी। तो गाइस, स्लीव्स के लिए यहाँ पे मैं स्लीव्स का लेंथ रख रही हूँ श्रग में 12 इंच,
तो इस तरीके से 12 इंच पे मार्क करके और यहाँ पे भी स्टिच लगानी है। और हाथ के लिए यहाँ पे मैंने 6 इंच का एक मार्क किया है। तो ये जो 6 इंच का मार्क है इसको स्टिच नहीं करना है, इसके ऊपर और नीचे दोनों लाइन को मैंने स्टिच कर दी है, बीच का 6 इंच मैंने खाली रखा है। इसी तरीके से इसके दूसरे साइड को भी स्टिच कर लेना है। सेम मेजरमेंट से मैंने दूसरे साइड भी स्टिच कर ली है। अभी गाइज यहाँ पे जो मैंने 6 इंच का एक गैप रखा था तो इसे फिनिश करते हैं। इसे उल्टा साइड पे रख के इसकी जो मार्जिन है उसे डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगानी है और इस तरीके से इसकी फिनिशिंग भी कर लेनी है। तो श्रग का यहाँ पे मैंने दोनों साइड को फिनिश कर ली है। तो यहाँ पे गए शोल्डर का जो स्ट्रेट स्टिच था तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा राउंड स्टिच करी है शोल्डर फिटिंग के लिए। तो फ्रेंड्स ये है श्रग का फ्रंट पार्ट जिसे मुझे थोड़ा शॉर्ट रखना है पीछे वाले पार्ट के कंपैरिजन सेंटर वाले पार्ट से। मैं 8 इंच पे एक मार्क कर दी हूँ और इस तरीके से लाइन भी ड्रॉ कर दी हूँ और इसकी कटिंग भी कर लेते हैं क्योंकि मुझे श्रग ऊपर से फ्रंट पार्ट से थोड़ा सा अप चाहिए था। अगर आप इक्वल पहनना पसंद करते हैं तो इसे कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये रहा श्रग का लुक और इसे अभी कंप्लीट करेंगे। तो इसे कंप्लीट करने के लिए इसके नेकलाइन से होते हुए नीचे बॉटम तक मैं लेस भी इसमें लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं इसके नेकलाइन से होते हुए इसके साइड वाले पार्ट एंड बॉटम पार्ट पे लेस भी लगा रही हूँ। तो लेस को लगाने के लिए लेस का जो पार्ट है मैंने रखा है उल्टा साइड पे इस तरीके से और उसके ऊपर मैं स्टिच लगा ले रही हूँ। और इसी तरीके से इसके चारों साइड पे स्टिचेस लगा लेनी है और अब लेस को कर लेना है सीधा और सीधा करने के बाद इसके ऊपर से एक और स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स ये रहा श्रग का फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो ड्रेस से रिलेटेड तो आप मुझे वहाँ पे भी पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।